क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंडिया है वहाँ पे वेरीड रिलीफ फीचर है, ठीक है, लैंड फॉर्म है, क्लाइमेट रिलीफ है, वेजिटेशन टाइप है। अब ये सब क्या कंट्रीब्यूट करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, एक मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है। जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन है वे एलुवियल सॉइल से मिलकर बना हुआ है। और ये किसके डिपॉजिट से बनता है, थ्री इम्पॉर्टेंट हिमालयाज रिवर है, कौन कौन, पहला है इंदस, दूसरा है गंगा और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों रिवर्स के डिपॉजिट से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये सॉइल कहाँ से एक्सटेंडेड है, राजस्थान से और गुजरात से, थ्रू नैरो कॉरिडोर से एक्सटेंडेड है। जो एलुवियल सॉइल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, पर्टिकुलरली डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी और कृष्णा एंड कावेरी रिवर में पाया जाता है। ये कौन सा सॉइल है, ये आपका एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल में वेरियस पोर्शन होते हैं, सैंड के, कंकड़ के, स्लीट के और मिट्टी के। और एज वी मूव इनलैंड टुवार्ड द रिवर वैली, तो अब हम रिवर वैली की तरफ जानते हैं, तो ये जो कंकड़ स्लीट होते हैं वे बिगर साइज में रहते हैं। अगर अपर रिवर वैली में देखा जाए तो नियर अ ब्रेक स्लोप द सॉइल आर कोर्स, सॉइल क्या होते हैं, कोर्स होते हैं। सच सॉइल आर मोर कॉमन इन पाइडोमेंट प्लेन, तो ये सॉइल जो कहाँ पे कॉमन होते हैं, पाइडोमेंट प्लेन पे होते हैं, जैसे कि दौरास, चाओस, थियरी। अपार्ट फ्रॉम साइज ऑफ देयर ग्रेन और इनके ग्रेन के साइज के, सॉइल ऑल्सो डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ एज, एज के बेसिस पे हम एलुवियल सॉइल को टू कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको हम बांगर कहते हैं और न्यू एलुवियल सॉइल जिसको हम खादर कहते हैं। तो जो बांगर सॉइल होता है उसमें हाई कंसंट्रेशन होता है किसका, कि कंकर नेड्यूल्स का, देन खादर, और खादर में फाइन पार्टिकल होते हैं और ये मोर फर्टाइल होता है। खादर जो होता है ये क्या होता है, मोर फर्टाइल होता है, मोर फर्टाइल होता है देन बांगर। एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल और इसमें मोस्टली इसमें एडिक्वेट पोर्शन में पोटास रहता है, फास्फोरिक एसिड रहता है, लाइम रहता है, जो कि आइडियल है ग्रोथ किसके लिए, शुगर कैन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, जो अदर सीरियल्स हैं, पल्स क्रॉप हैं उनके लिए। हाई फर्टिलिटी होने के कारण जो रीज़न है एलुवियल सॉइल का, वो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है और डेंसली पॉपुलेटेड होता है। सॉइल ड्राइड एरिया और मोर जो ड्राई एयर एरिया में सॉइल होते हैं एलुवियल सॉइल, वो मोर अल्कलाइन होते हैं एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही उसमें प्रोडक्टिव प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इसका कलर ब्लैक होता है और इसको हम रूगर सॉइल भी कहते हैं और ये आइडियल है कॉटन के ग्रोथ के लिए और इसीलिए हम क्या कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, किसको, ब्लैक सॉइल को कहते हैं। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विथ अपेरेंट रॉक मटेरियल आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो क्लाइमेटिक कंडीशन और पेरेंट रॉक मटेरियल ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, सॉइल के फॉर्मेशन में। दिस टाइप ऑफ सॉइल टाइपिकली ऑफ अ डेकन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर अ नॉर्थन डेकन प्लेटू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। और ये कहाँ कहाँ कवर है, महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है, मालवा में है, मध्य प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है।
ये एक्सटेंडेड है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैली से। जो ब्लैक सॉइल है वो एक्सट्रीमली क्लेई मटेरियल्स रहता है और इससे और इसमें कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए, और ये रिच सॉइल न्यूट्रिएंट इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, मैग्नीशियम हुआ, पोटास हुआ। और आपका हो गया, ये मैप है, इस मैप में आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, ये रीजन कैसा रीजन है, ये जो रीजन है ये आपका है फॉरेस्ट और माउंटेन। ये कैसा रीजन है, फॉरेस्ट है और माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेन। उसके बाद ये जो है ये क्या है, एलुवियल सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है आपका, और ये भी एलुवियल सॉइल है। ये नैरो कॉरिडोर से है, ये नैरो कॉरिडोर से है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल आपको यहाँ पे दिखेगा, ये क्या कैसा सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है। उसके बाद ये जो है ये ब्लैक सॉइल का रीजन है, ये सारे ब्लैक सॉइल है। उसके बाद लेटराइट सॉइल है, आपको यहाँ पे मिलेगा पिंक कलर में जो जहाँ पे है, वो ये हुआ आपका लेटराइट सॉइल। उसके बाद जो येलो कलर है वो अराइड सॉइल है। लाइम कंटेन रहता है, और ये इसमें फास्फोरिक ब्लैक सॉइल में फास्फोरस के कंटेंट कमी होती है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग दी हॉट वेदर, और ये हॉट वेदर में कैसा इसमें आ जाता है, क्रैक आ जाता है, जो कि विच हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ सॉइल, जो कि सॉइल में एरिएशन होता है, यानी सॉइल के अंदर एयर का फ्लो चला जाता है। दिस सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्टेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट शावर, और ये जो सॉइल होता है बहुत ही स्टिकी होता है, और वेटिक कंडीशन में यानी गीला कंडीशन में इस पे वर्क करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद है रेड एंड येल्लो सॉइल, ये डेवलप होता है क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में, ठीक है, और ये लो रेनफॉल को सपोर्ट करता है इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। येल्लो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, ये कहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में पाया जाता है, अलोंग द पिडमेंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। ये रेडिश कलर होता है क्योंकि इसमें डिफ्यूज़न होता है आयरन का और क्रिस्टलाइन का और मेटामॉर्फिक रॉक का। इट लुक येल्लो, ये येल्लो दिखता है जब इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। उसके बाद है लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल डिराइव है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है लेटर, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक, और ये डेवलप कहाँ पर होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में डेवलप होता है, ठीक है, और ये वेट और ड्राई सीजन में दिखता है। दिस सॉइल रिजल्ट इन इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, और इसका एसिडिक कितना होता है, 6 से कम होता है, यानी लेटराइट सॉइल कैसा होता है, इसका जो पीएच होता है लेस देन 6 होता है, यानी जो सॉइल होता है वह कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जनरली डिफिशियंट ऑफ प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये अगर सदर्न स्टेट में होता है, वेस्टर्न घाट के रीजन में होता है, जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, और कुछ पार्ट है वेस्ट बंगाल का, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको लेटराइट सॉइल देखने के लिए मिलता है। वेयर दिस सॉइल is deciduous and evergreen forest and humus rich, but under a sparse vegetation and semi-arid environment it generally humus poor. तो इसको इसका जो humus होता है वो poor होता है semi-arid environment में. They are prone to erosion and degradation due to position of landscape.
तो इसमें इरोजन होता है और डिग्रेडेशन होता है। आफ्टर एडोप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी। और ये सॉइल किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? टी और कॉफ़ी ग्रो करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विस सॉइल इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी, तो आप कह सकते हैं कि लेटराइट सॉइल। रेड लेटराइट सॉइल जो तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, केरला में, ये सूटेबल होता है कैसियू और नट्स उगाने के लिए, यानी काजू उगाने के लिए सूटेबल होता है रेड लेटराइट सॉइल। उसके बाद है अराइड सॉइल। अराइड सॉइल ये रेंज करता है रेड टू ब्राउन कलर, ठीक है, और ये जनरली सैंडी होता है टेक्सचर में और सलाइन इन नेचर होता है। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई, और अराइड सॉइल में कुछ एरिया में सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग वाटर, और अराइड सॉइल में से ही कॉमन वाटर, कॉमन सॉल्ट को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है वाटर को इवेपोरेट करके। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्ट, और ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, एंड सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। द लोअर होराइजन ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाई बाई कंकर, और इसमें जो लोअर होराइजन होता है सॉइल का, वहाँ पे कंकर होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है कैल्शियम कंटेंट का डाउनवर्ड में। जो कंकर लेयर होता है वो फॉर्मेशन होता है बॉटम होराइजन्स में, ये रिस्ट्रिक्ट करता है इन्फिल्ट्रेशन प्रोसेस को वाटर का। आफ्टर ए प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम अ कल्टिवेटेड, और प्रॉपर इरीगेशन जब हम इसे प्रोवाइड करते हैं तो ये सॉइल कल्टिवेटेड हो जाता है, हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, कहाँ पे? वेस्टर्न राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में। उसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन हिली एंड माउंटेन्स एरिया। जो फॉरेस्ट सॉइल है वो हिली एरिया में पाया जाता है, माउंटेन एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे सफिशियंट रेन हो, फॉरेस्ट हो, अवेलेबल होता है। दिस सॉइल इज टेक्सचर होते टेक्सचर वैरीड करते हैं, ठीक। According to mountain environment where they form it, they are loamy and silt and valley side is coarse grain in upper slope. Himalayas. तो एक्चुअली जो फॉरेस्ट सॉइल है वो कहाँ पर पाया जाता है? हिमालयाज रीजन में पाया जाता है, ठीक है, माउंटेन एरिया में पाया जाता है, ठीक है। ये लो, इसमें लो ह्यूमस कंटेंट रहता है, और ये सॉइल लोअर पार्ट्स ऑफ दी वैली पाया जाता है, रिवर के ट्रेसेस में। तो ये बहुत ही फर्टाइल होता है, एलुवियल फैन आर फर्टाइल, जो एलुवियल फैंस होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।